नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झामुमो विधायक चमरा लिंजा हुए बागी, लोहरदगा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, दिलचस्प हुआ मुकाबला। झारखंड के गुमला जिले के विशुनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंजा बागी तेवर अपनाते हुए लोहरदगा सीट से निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। उन्होंने बुधवार को पर्चा दाखिल किया। झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेमरम पहले ही राजमहल से लड़ने का ऐलान कर चुके। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी को एक सशक्त नेतृत्व या निर्णयकर्ता की कमी खल रही है। इधर चमरा लिंजा ने नामांकन के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 2 साल पहले ही पार्टी को अवगत करा दिया था कि टिकट मिले या न मिले लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बार मेहनत और परिश्रम के बल पर भाजपा से लड़ेंगे और जीतेंगे। भाजपा में शामिल होने से जुड़े सवाल पर दल बदल कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि वह इसके दायरे में आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। वे भाजपा द्वारा आदिवासियों के विरुद्ध रची जाने वाली साजिश की पोल खोलेंगे। अलग सरना कोड की मांग को चुनाव लड़ने की वजह बताई। इधर झामुमो महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने चमरा के मुद्दे पर कहा कि अभी नामांकन वापसी का समय है, ऐसा नहीं होने पर पार्टी नियमानुसार चमरा के विरुद्ध निर्णय ले सकती है। जमशेदपुर में प्रत्याशी की घोषणा संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। चमरा के आने से लोहरदगा से भाजपा प्रत्याशी समीर उराव और इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत में सीधी भिड़ंत अब चमरा लिंजा के आने से त्रिकोणीय मुकाबला में बदल गया है। जनजातीय के लिए आरक्षित इस सीट के वोटरों पर चमरा लिंजा का प्रभाव ठीक ठाक है। राज्य गठन के बाद हुए 4 चुनाव में चमरा 3 बार यहां से लड़ चुके हैं। 2004 और 2014 में चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे, वहीं 2009 में वे दूसरे स्थान पर थे। 2019 में चमरा चुनाव में नहीं उतरे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।